बिजली के बड़े बिल वापस लो, वापस लो। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। बिजली कंपनियां वापस लो, वापस लो। बिजली कंपनियां बड़े हुए बिल वापस लो, वापस लो। बिजली कंपनी दिल्ली सरकार की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, आज बिजली जन आंदोलन की आज पहुंचा है। यहां उपस्थित नेता विपक्ष और मदनपुर से लोकप्रिय विधायक श्रीमान रामवीर सिंह विधूड़ी जी, विधायक अजय महावर जी, अभय वर्मा जी और इस आंदोलन के संयोजक श्रीमान राजेश भाटिया जी, महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, सत्येंद्र सिंह जी और योगिता सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित सभी जिलाध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जो आज इस बिजली जन आंदोलन को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, और ये कोरोना संकट के कारण ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसकी आवाज दिल्ली सरकार के कानों में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कानों में पड़ चुकी है। और जो दिल्ली सरकार के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना संकट है और लोगों को मुश्किल आ रही है, आर्थिक संकट है, ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज बिजली कंपनियों को दिया है और उसका जो कंज्यूमर को राहत देने का काम इनको करना चाहिए था, वो आज दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। दुकानें बंद है, ऑफिस बंद है, लोगों भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मार्च से लगाकर नवंबर तक के 6 महीने के बिल आप फिक्स चार्जेस के माफ किए जाएं और वापस लिए जाएं। भारत माता की जय। और इस तरह से जो लोगों को डिसकनेक्शन के नोटिस आ रहे हैं, आतंक मचा रखा है बिजली कंपनियों ने, बड़े हुए दाम भेजकर जिनके 2,000-2,000 रुपए के बिल आते थे उनके पास 20,000-20,000 रुपए के बिल आ रहे हैं, 40,000-40,000 रुपए के बिल आ रहे हैं, और ये सब लूट बिजली कंपनियों की मार्फत दिल्ली सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सांसदों की, सभी सांसदों और विधायकों की मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, गौतम गंभीर जी, रमेश जी और उन लोगों ने, सभी सांसदों ने मुद्दा उठाया, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और इसमें उन्होंने कहा है, उनका जवाब है कि फिक्स चार्ज का मुद्दा है और हम इसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको फिक्स चार्ज से तनख्वाह मिलती है क्या? फिक्स चार्ज किसको खाते में जा रहा है? इसका अर्थ यह, फिक्स चार्ज बिजली कंपनियों के खाते में जा रहा है लेकिन उसका हिस्सा आपको भी मिल रहा है। केजरीवाल जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली की सरकार जिस तरह से आज आम उपभोक्ता परेशान है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो राहत पर राहत दिए जा रही है, पूरे 6 महीने का राशन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दिल्ली के लोगों को जनधन अकाउंट में पैसा डालने का काम, और आपको जानकर ही आश्चर्य होगा एक और बड़ा घोटाला फिक्स चार्ज के नाम पर लिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जब हाई डिमांड होती है बिजली की तो 7,800 मेगावाट बिजली की खपत होती है, और इस समय जब फैक्ट्री बंद है, ऑफिस बंद है, दुकानें बंद है, तो 5,000 से लगाकर 5,500 मेगावाट बिजली पर डे खर्च होती है, और जिस दिन 7,800 मेगावाट बिजली
इनकी डिमांड आ जाती है उस दिन इनके ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, इनकी लाइनें उड़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि इनके पास 7000 मेगावाट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो लूट मचाई है 22874 मेगावाट के फिक्स चार्ज, ये दिल्ली सरकार के माध्यम से बिजली कंपनियां ले रही है। आज तक कहीं नहीं हो रही है। 1000 करोड़ रुपए के घोटाला प्रति माह हो रहा है। प्रति माह इतना पैसा पब्लिक से उपभोग किया जा रहा है और जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसके पास डिस्कनेक्शन का नोटिस आ रहा है, बिजली काटने का नोटिस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जहां भी सूचना मिलेगी, बिजली कंपनियों के लोग दिल्ली सरकार की सह पे जिस किसी की बिजली काटने आएंगे, हम उनकी बिजली को काटने नहीं देंगे। और मैं यहां से कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सुन लें कि आने वाले दिनों में चार्ज को वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये बड़े हुए बिल वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की बिजली काटने का काम करेंगे। उनको इस बिजली में रहने का कोई हक नहीं, जब वो ऐसे समय में, संकट के समय में दिल्ली की जनता का साथ नहीं दे सकते हैं। दिल्ली की जनता जो परेशान है उसकी परेशानी नहीं समझ सकते हैं। ऐसी सरकार पर, जो सरकार पहले कहती आई है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे, और आज बिजली के भी बड़े हुए बिल आ रहे हैं और पानी के भी बड़े हुए बिल आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हम इस आंदोलन को, बिजली के जो बिल हैं, ये जो बड़े हुए बिल हैं, इसको सांकेतिक रूप से यहाँ पर दहन करेंगे और दिल्ली सरकार को चेताएंगे कि आने वाले दिनों में ये मनमानी उनकी चलेगी नहीं। इस मनमानी को हम हटा कर रहेंगे, इस मनमानी को चलने नहीं देंगे। जो तानाशाही दिल्ली सरकार ने कर रखी है इस कोरोना संकट में, इस आंदोलन को हम वहां तक ले जाएंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक फिक्स चार्जेस वापस नहीं होंगे और मनमाने बिल वापस नहीं होंगे। बहुत बहुत